आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग को कैसे मैनेज किया जाता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग को मैनेज करके आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और इसमें अपना आधार लिंक भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नेट बैंकिंग को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना होगा। यहाँ आपको टाइप करना होगा CBI नेट बैंकिंग, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। ये फर्स्ट वाला लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ अपना यूजर आईडी डालेंगे या पासवर्ड डालेंगे, ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यूजर आईडी आपका CIF नंबर होता है और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ता है। चलिए पहले हम डालते हैं। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से लिंक किया हुआ है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पूरा अपना मैनेज कर सकते हैं। यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। लोन पे क्लिक करके अपना लोन अकाउंट दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करके अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट देख सकते हैं। इंक्वायरी एंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करके आप किसी चीज़ की भी इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर उसका रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। यहाँ से आप आईडिया रिटर्न देख सकते हैं, डाउनलोड इंटरेस्ट सर्टिफिकेट इसको भी आप देख सकते हैं। अकाउंट बैलेंस पे क्लिक करके अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। NEFT UTR इंक्वायरी कर सकते हैं। अकाउंट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ से ट्रांजैक्शन समरी देख सकते हैं। यहाँ से एक चेकबुक के लिए आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, उसका स्टेटस यहीं पर ट्रैक कर सकते हैं। चेकबुक आने के बाद आपका यहाँ उसका रिक्वेस्ट ट्रैक करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर चेकबुक यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप अपना चेकबुक का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। चेकबुक एक्टिवेशन यहाँ इस पर क्लिक करके अपना चेकबुक को एक्टिव कर सकते हैं। फंड ट्रांसफ़र करने के लिए आपको फंड ट्रांसफ़र एंड पेमेंट इसके ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ से आप क्विक पे करके आप अपना दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं। IMPS पे करके IMPS कर सकते हैं। आपका यहाँ डेली पर डे लिमिट आ जाएगा, पर ट्रांजेक्शन लिमिट आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट के जरिए से आप अगर पैसा भेजेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पूरा अकाउंट डिटेल्स फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर उसका मोबाइल नंबर के थ्रू पेमेंट भेजना चाहते हैं तो इसको टिक करेंगे और यहाँ पूरा मोबाइल नंबर फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पूरा सबमिट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट देख सकते हैं। यहाँ पर कितना आप इसमें डिपॉजिट किए हैं, कितना इसमें से इन्वेस्ट किए हैं। अटल व्यू पेंशन डिटेल्स पर क्लिक करके अपना पेंशन का डिटेल्स देख सकते हैं। टैक्सेस एंड रिसिप्ट पर क्लिक करके अपना आप यहाँ टैक्स देख सकते हैं, आपके ऊपर कितना टैक्स लागू हुआ है वो डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे देख सकते हैं। EPF को थ्रू आप अपना PF अकाउंट को देख सकते हैं, आप पर कितना पेमेंट आया है नहीं आया है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। कार्ड एंड लोन के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना यहाँ कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, उसका लिमिट को बढ़ा सकते हैं। इंस्टा लोन पे क्लिक करके अपना यहाँ आप लोन चेक कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो वो शो करेगा, अगर नहीं चल रहा है तो यहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्री अप्रूव क्रेडिट ऑफर इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना ऑफर देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑफर आया हुआ है तो ऑफर यहीं से आप ट्रैक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। डेबिट कार्ड कंट्रोल सर्विस पे क्लिक करके अपना डेबिट कार्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्टिव या डीएक्टिव कर सकते हैं। उसका बेनिफिशियरी लिमिट यहीं से बढ़ा सकते हैं, यहीं से अपना एक डेबिट कार्ड इशू कर सकते हैं, उसका पिन ग्रीन पिन यहीं से जनरेट भी कर सकते हैं। रुपए कार्ड ऑफर के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ कार्ड ऑफर शो होने लगेगा। प्लीज़ वेट, रिडायरेक्ट करने के लिए हमको बोल रहा है, इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमको ये रिडायरेक्ट करेगा। सर्विस पे क्लिक करके अपना यहाँ पूरा सर्विस देख सकते हैं। आधार लिंक इंक्वायरी यहीं से कर सकते हैं। लिंक आधार एंड बैंक अकाउंट इस पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक कर सकते हैं। ई मैंडेट सर्विस के साथ अपना सर्विस देख सकते हैं, कितना मैंडेट करके आपको रखने बोल रहा है अकाउंट में। यहाँ से पेंशन के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास अगर फोर व्हीलर है तो अप्लाई फॉर फास्टैग के लिए आप यहाँ अपना गाड़ी के लिए फास्टैग ला सकते हैं, लगा सकते हैं। प्रोफाइल सेटिंग पे क्लिक करके अपना प्रोफाइल को यहाँ मैनेज कर सकते हैं। आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, अदर इंटरेस्ट कोई है तो उसको चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट एंड SMS सेटिंग इस पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल में SMS स्टेटमेंट प्राप्त कर सकते हैं SMS के थ्रू। अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ चेंज कर सकते हैं। सेट बेनिफिशियरी लिमिट पर क्लिक करके बेनिफिशियरी का एक लिमिट सेट कर सकते हैं। सेटअप प्रीफेयर यूज़र आईडी इस पर क्लिक करके आप अपना एक यूज़र आईडी बना सकते हैं जो आपको CIF नंबर के बदले बनेगा वो। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन अपडेट के ऊपर क्लिक करके आप अपना जो क्वेश्चन चूज़ किए हैं उस क्वेश्चन को हटा सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन उसमें ऐड कर सकते हैं। सेट व्यू ओनली अकाउंट इस पर क्लिक करके अपना अकाउंट का पूरा डिटेल्स मैनेज कर सकते हैं। सेट व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस पर क्लिक करके आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे शो होने लगेगा। आप यहाँ से क्विक पे कर सकते हैं, IMPS, NEFT, RTGS कर सकते हैं। यहाँ इंटरनल पेमेंट के लिए आप या अदर अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर आपका ही कोई अगर अकाउंट है तो उसमें इसमें क्लिक करके अपना अकाउंट में भेज सकते हैं।
चलिए हम अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, अदर अकाउंट ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपना अकाउंट चूज़ कर लेंगे, ये इसी अकाउंट से हम पेमेंट करना चाहते हैं तो इसको चूज़ कर लेंगे। यहाँ से बेनिफिशियरी का अकाउंट चूज़ कर लेंगे, जो भी ऐड किया हुआ है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अमाउंट डालेंगे और रिमार्क डालेंगे, यहाँ अकाउंट नंबर उसका पूरा फिल करेंगे और ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालकर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अकाउंट का स्टेटमेंट चेक करने के लिए आप यहाँ व्यू अकाउंट स्टेटमेंट इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से अपना ट्रांसफ़र से करंट पीरियड का चाहिए या फिर स्पेसिफिक पीरियड का चाहिए, हम करंट पीरियड का मांगेंगे तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट टाइप में चूज़ कर लेंगे, डिस्प्ले स्क्रीन या पीडीएफ में हमको चाहिए पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे। ऑर्डर टाइप में हमको क्या यहाँ एसेंडिंग या डिसेंडिंग रखना है, हमको एसेंडिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा, ये करंट पीरियड का डाउनलोड होगा। तो अगर आपको स्पेसिफिक पीरियड का चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे और एक डेट चूज़ कर लेंगे, कब से कब का आपको चाहिए वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। जैसे कि मुझे अगर जनवरी से जनवरी महीने का चाहिए तो जनवरी यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और मार्च तक चाहिए तो मार्च यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो आपका जनवरी से मार्च तक जितना स्टेटमेंट हुआ है पूरा निकल के आ जाएगा। यहाँ से स्टॉप चेक पेमेंट, इसको क्लिक करके आप अपना चेक का पेमेंट रोक सकते हैं। यहाँ से सेट डेबिट कार्ड का लिमिट, इस पर क्लिक करके अपना डेबिट कार्ड का लिमिट बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। अप्लाई फॉर इस सेक्शन में आकर के आप यहाँ डेबिट कार्ड इशू अप्लाई कर सकते हैं, इसे एक इशू कर सकते हैं नया डेबिट कार्ड के लिए। अगर आपके पास ऑलरेडी पहले से तो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ अपना अकाउंट नंबर चूज़ कर लेंगे और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका डेबिट कार्ड या जितना भी ऑफर है वो आ जाएगा, वो ऑफर के हिसाब से आप क्लिक करके अपना ये देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।